आज की इस वीडियो में हमको बताएंगे, अगर आप बिहार के हैं, अगर आपको आपका कोई शॉप है, उस शॉप को आप फ्री में बिहार सरकार के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी दुकान को बिहार सरकार के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, तो किस तरह कर पाएंगे, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे। बिना उद्योग आधार, यहाँ पे मैं बता दूँ, बहुत सारे ऐसे वीडियो जिसमें ये बताया किस तरह रजिस्टर करते, उसको उद्योग आधार बनाया जाता है। तो चलिए आज हम बताते किस तरह अपने दुकान को आप रजिस्टर कर पाएंगे बिहार सरकार के द्वारा। यहाँ पे मैं आपको उद्योग आधार बनाना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको रजिस्टर करना बिहार सरकार के साथ अपने शॉप को वो सिखाऊंगा। इसलिए वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए किस तरह अपनी शॉप को बिहार सरकार के साथ रजिस्टर कर दे, मैं फिर बता दूं, मैं आपको उद्योग आधार के बारे में नहीं बताने वाला, मैं आपको रियल में बिहार सरकार के साथ रजिस्टर अपने दुकान को किस तरह कर दे उसके बारे में बताने वाला। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया, उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे बिहार की आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, serviceonline.bihar.gov.in, इस पे आ जाएंगे। इस पे जैसे आएंगे सबसे पहले आपको आना है, सबसे पहले आने के बाद आपको यहाँ पे एक अकाउंट बनाना है, इस पोर्टल पे अपने आपको रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप रजिस्टर योर सेल्फ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आपका फुल नेम आपको देना होगा और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, एक पासवर्ड आपको यहाँ पे रखना होगा, उसी के साथ आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इस कैप्चर को इसमें इंटर करके वैलिडेट पे क्लिक करके आपको यहाँ से एक अकाउंट बना लेना है। अगर आप पहले इसमें अकाउंट बनाए हैं तो आप कर सकते हैं, एक अकाउंट बनाने के बाद ही ये सब चीज़ कर सकते हैं, आवासीय जाति या बिहार सरकार के साथ अपनी दुकान को रजिस्टर कर, कोई भी चीज़ आप एक बार फिर सिर्फ एक बार इस पर रजिस्टर हो जाइए, उसके बाद एक ही बार रजिस्टर होने के बाद सारा चीज़ आप कर सकते हैं। चलिए रजिस्टर हो जाने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक करें, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना, वो जो पासवर्ड आपने वहाँ पे रखा था वो पासवर्ड आपको यहाँ पे इंटर कर देना होगा। तो चलिए मैंने पासवर्ड इंटर करने के बाद यहाँ पे कैप्चर भी इंटर कर दिया, उसके बाद लॉगिन कर लेंगे, पहले से अकाउंट बना है तो यहाँ से फॉरगॉट भी कर सकते हो। चलिए लॉगिन पे क्लिक करते हैं, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो चुका, हमारा डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, डैशबोर्ड कुछ इस तरह का रहेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे आएंगे इस पोर्टल पे, किस तरह आवासीय जाति आय बनाते हैं बिहार सरकार में, तो वो फोटो वाला तो हम आपको बता दिए हैं, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं किस तरह अपने शॉप को बिहार सरकार के साथ रजिस्टर करेंगे। यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने बहुत सारा सर्विस आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए चार नंबर में जाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 38 नंबर में एक है, देखिए एप्लीकेशन फॉर रजिस्टर फॉर वन, यहाँ पे देख लीजिए इस पर 38 नंबर वाले सर्विस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख लीजिए बिहार शॉप, ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर वन रूल थ्री के अनुसार, ठीक है, यहाँ से अपनी शॉप को आप रजिस्टर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस नेम, अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट सब डिवीजन आपको सेलेक्ट करना है, जो भी आपका सब डिवीजन वो सेलेक्ट कर लेंगे, उसी के साथ यहाँ पे अपना शॉप का नाम देंगे, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस देंगे, यहाँ पे टाइप ऑफ किस टाइप का आपका शॉप है वो देना है, तो यहाँ रेसिडेंट होटल है या कोई भी चीज़ होटल को भी आप रजिस्टर कर सकते, कोई भी चीज़ याद आ रहा है शॉप है तो शॉप कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, उसी के साथ यहाँ पे आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना होगा अपना ब्लॉक, उसी के साथ यहाँ पे लोकेशन आपको इंटर करना होगा, पुलिस स्टेशन इसमें आपको लिखना होगा, उसके बाद यहाँ का पिन कोड, उसके बाद यहाँ कब आपका दुकान स्टार्ट हुआ तो वो देना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पूछ रहा है क्या आपका दुकान रजिस्टर अंडर रजिस्टर में है, तो आपका दुकान अभी रजिस्टर नहीं है तो नो कर देंगे। आपका दुकान किस प्रकार का, इसमें आप प्राइवेट वगैरह दे सकते हैं, आप अदर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है आपसे, तो यहाँ पे आपको ये सब फिलअप करना है, उसके बाद पूछ रहा है आपके शॉप में कितने बच्चे हैं, कितनी क्या है, तो आप जीरो कर दे। यहाँ पे यौन पर्सन कितने हैं, युवा कितने स्टाफ है मतलब आपकी दुकान पर वो देना है, और एम्प्लॉयर कितने वो देना है। प्रत्येक स्टाफ की दर आपको 10 रुपये चार्ज करने होंगे देने होंगे, अगर एक स्टाफ आपके पास रहते हैं, एम्प्लॉयर रहते हैं दो हो गए तो आपको 10-10 रुपये 20 रुपये पे करने होंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने
एम्प्लॉयर का नाम वगैरह दे सकते हैं, एड्रेस, इंटरेस्ट क्या दे भी सकते हैं, नहीं भी ये जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, उसके साथ यहाँ पे नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर उसका नाम देना है, एड्रेस देना, यानी कि जो मैनेजर है उसका, जो मालिक है शॉप का, उसका नाम, उसका एड्रेस, और उस वो क्या पद पे है, ओनर है, मैनेजर है, एजेंट है, जो भी है वो देना है, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल एड्रेस, यहाँ पे एक उनका पिन कोड देना, जो भी उनका एड्रेस का पिन कोड है वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद टिक मार का यहाँ पे लगा देना है, आई एग्री क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑफिस सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस कैप्चर आपको इस बॉक्स पे इंटर करना है, उसके बाद चाहे तो आप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं, बाद में सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो ये बता रहा है हमारा कैप्चर गलत है, तो हम कैप्चर को यहाँ पे फिर से देखते हैं, कैप्चर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो उसके बाद सबमिट करते हैं, उसके बाद आप देख सकते हैं ये योर रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसेस्ड, प्लीज वेट, ये हमारा रिक्वेस्ट है, ये प्रोसेसिंग हो रहा है, मतलब ये जो है ना, प्लीज वेट करनी, यानी कि हमारा ये एप्लीकेशन ये सबमिट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे अभी सबमिट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बताने के लिए वीडियो बनाया हूँ। तो दोस्तों आप भी इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपका शॉप हो या होटल हो या कोई भी चीज़ हो, उस तरह आप बिहार सरकार के साथ रजिस्टर कर सकते हो। जितने भी स्टाफ आपके शॉप में रहते हैं या एम्प्लॉयर कोई भी रहते हैं, तो पर पर्सन के हिसाब से वो 10 रुपये पे भी करने होंगे। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने शॉप का बिहार सरकार के साथ रजिस्टर कर सकते हो। दोस्तों ये वीडियो आपको सिर्फ देखने में लगेगा 8 मिनट 9 मिनट का है, लेकिन दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो इस मेहनत को आप मेहनत का फल जरूर दे, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें आप लोगों की बहुत सभी सपोर्ट चाहिए, और मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा और लाता हूँ, जिससे आपका किसी भी तरह का कोई भी चीज़ ऑनलाइन करने में परेशानी ना हो, या अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको बना के बहुत जल्द दे देंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे पहले मैंने आपकी जानकारी के बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, आप हमारे वीडियो चैनल की वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ भी आपकी बहुत सारी काम की वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों आज के लिए यहीं तक, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।